अस्सलामु अलैकुम। ये है जी यूरो का चार्ट। यूरो इस वक्त 0040 के आसपास चल रहा है जी। हमारा कल का रेजिस्टेंस लेवल है, अगर आप यहाँ पर देखें तो स्पाइक ज़रूर दी उसने, लेकिन यूरो सस्टेन न कर सका और दोबारा से जाकर उसने 99-80 के आसपास के जो लेवल थे उसको टेस्ट किया। तो आज यूरो में हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं। यूरो में आज हमारी रेजिस्टेंस है 0090 की। इसके ऊपर यूरो 100, 120 और 150 तक जा सकता है। ऑन अदर साइड आज जो हमारी सपोर्ट है वो है $1 की। अगर $1 के नीचे यूरो जाता है दोबारा से, तो दोबारा से 99-80, 99-50 और 99-20 तक जा सकता है। फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से यूरो का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव चल रहा है। ये है जी पाउंड। कल 16.50 का हमारा सपोर्ट लेवल था, यहाँ इस कैंडल में उसने ब्रेक किया, लेकिन जाकर उसने 16.20 के आसपास के लो बनाए। दोबारा उसने ब्रेक इन करने के बाद फिलहाल 16.93 के आसपास की हाई बना चुका है। तो मोर और लेस आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस तो थोड़ा बहुत चेंज है। 17.20 की आज हमारी रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर 17.60, 17.80 और 1800 तक जा सकता है। 16.20 की हमारी आज सपोर्ट है, इसके नीचे 1600 और 15.50 की तरफ जा सकता है। फिलहाल पाउंड जो है वो इंट्राडे के लिहाज से वीक जोन में चल रहा है। ये है जी यूजे। कल इसने 39.08 के आसपास की एक स्पाइक दी, 139 का ही हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, और वहाँ से रिट्रीट होकर तकरीबन 138-130 के आसपास के लो बना चुका है और फिलहाल 138-144 के आसपास चल रहा है। तो रेजिस्टेंस तो हमारी आज भी सेम है 139 की, इसके ऊपर 139-120 और 139-140 तक जा सकता है। सपोर्ट हमारी रहेगी आज 137-70 की, इसके नीचे 137-40 और 137 तक जा सकता है। यूजे फिलहाल भी इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव जोन में चल रहा है। यह है जी एनजेडी यूएसडी। इसमें आज हमारे क्या लेवल रहेंगे वो हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस है आज हमारी 61.90 की, इसके ऊपर 62.15 और 62.30 तक जा सकता है। सपोर्ट है हमारी 61.20 की, इसके नीचे दोबारा से 6100, 6070 और 6050 की तरफ जा सकता है। एनजेडी फिलहाल पॉजिटिव जोन में है जब तक 6120 नहीं तोड़ता। यह है जी सिल्वर। 18.35 की लो बनाए, 18.35 की हमारा सपोर्ट था कल अगर आपको याद हो, और फिलहाल 18.50 के आसपास चल रहा है। तो आज हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं। आज हमारी रेजिस्टेंस रहेगी 18.65 की, इसके ऊपर 18.85 और $19 तक सिल्वर जा सकती है। सपोर्ट रहेगी आज हमारी 18.20 की, इसके नीचे फ्रेश वीकनेस आ सकती है 1800 और उसके बिलो। ट्रेंड फिलहाल इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक ही चल रहा है। अब चलते हैं जी हम यूएस आयल पर। होल्ड कीजिएगा, चार्ट स्टक हुआ है। कल एक ज़बरदस्त सेलिंग आई, 95.20 की हमारी सपोर्ट थी, इस कैंडल में ब्रेक हुई और अगली कैंडल में उसने टेस्ट किया और डाउन, तकरीबन 90.50 के आसपास के उसने लो बनाए हैं और फिलहाल 92.57 के आसपास चल रहा है। तकरीबन मोर और लेस जो कल सपोर्ट थी वो आज हमारी रेजिस्टेंस है। आप कह सकते हैं कि $95 हमारी रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर 95.70, 96.50 और 97.65 तक जा सकता है। सपोर्ट है हमारी $90 की, इसके नीचे 89.30, 88.30 और $87 तक जा सकता है। क्रूड ऑयल फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से वीक जोन में ही चल रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।